जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। नफरत के बाजार में गोदी मीडिया नफरत की दुकानें खोल रहा है और उसी नफरत के बाजार में कुछ स्वतंत्र पत्रकार जनता के रोजाना मुद्दे उठाते हैं और उसके बदले वो रोजाना धमकियां खाते हैं, गालियां खाते हैं। वो पत्रकार कौन है, इनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन पत्रकारों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, आज ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें लिखा गया है अभिसार पर एनएसए लगाओ। अभिसार शर्मा वो एक स्वतंत्र पत्रकार है जो हमेशा जनता की आवाज बुलंद करता है, जनता के मुद्दे उठाता है और जनता के मुद्दे सरकार से सवाल पूछता है। उसी पत्रकार के ऊपर दोस्तों अभिसार पर एनएसए लगाओ, कुछ अनभक्त लोग, कुछ नफरती चिंटू इस तरीके का ट्रेंड चला रहे हैं। दोस्तों क्या क्या और भी पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है देखिए स्क्रीन पर। गोदी मीडिया कहने वाले कुछ निकले चीनी दलाल, चीन के पैसे से देश विरोधी एजेंडा चलाता है अभिसार शर्मा वाला न्यूज क्लिक, कांग्रेस नेता इनकी प्रोपेगेंडा खबरों को करते हैं शेयर और बचाव में करते हैं ट्वीट। अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य पुरसुन वाजपेयी, साक्षी जोशी जैसे देश में छुपे गद्दारों से सावधान। तो सो ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जो आज के नफरत के बाजार में गोदी मीडिया जहां नफरत की दुकानें खोल रहा है, ये पत्रकार मोहब्बत सिखाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और जनता के अहम मुद्दे उठाते हैं। दरअसल मसला क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की एक मीडिया ने दावा यह किया कि जिस पर अभिसार शर्मा काम करते हैं, यूट्यूब चैनल जो है न्यूज क्लिक, वो जो संस्था है वो चीन के पैसों से काम चलती है, यानी चीन उसे पैसे देता है जब भी डोनेट करता है और ये उसी पैसों से भारत में एक एजेंडा चला रही है और अभिसार शर्मा को भी चीनी दलाल कहने लगे कुछ नफरती चिंटू अनभक्त लोग। उस अमेरिका के मीडिया एजेंसी ने ये नहीं बताया, कोई प्रूफ नहीं दिया कि हाँ ये प्रूफ है इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं न्यूज क्लिक को, और उस मीडिया संस्था ने यह भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ न्यूज क्लिक का नाम लिया, उसने ये नहीं बताया कि अभिसार शर्मा को भी पैसे दिए जाते हैं या किसी और जर्नलिस्ट को पैसे दिए जाते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने ये लिखा कि न्यूज क्लिक जो भारत के अंदर एक मीडिया एजेंसी है वो चीन के पैसों से चलती है, कोई प्रूफ नहीं दिया। इसी को लेकर कुछ दिन से नफरती चिंटू, गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार प्राइम टाइम इन स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर प्राइम टाइम चला रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो अनभक्त लोग हैं, जो गिरफ्तार करने की बात बोल रहे हैं अभिसार शर्मा को, या कुछ और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको जो ट्रेंड चला रहे हैं कि अभिसार शर्मा पर एनएसए लगाओ, या जो प्राइम टाइम चलाया जिन्होंने न्यूज क्लिक के दावा जो हुआ है न्यूज क्लिक के ऊपर कि चीनी मीडिया है, चीनी के पैसों से चलता है, चाइना के पैसों से चलता है, उनसे मेरा एक सवाल है, उनको मेरी एक आप चैलेंज है, चैलेंज दे रहा हूं मैं उन लोगों को जो नफरती चिंटू है, जो गोदी मीडिया के पत्रकार है, जो प्राइम टाइम जिन्होंने चलाया अभिसार शर्मा को लेकर, न्यूज क्लिक को लेकर। अभी कुछ दिन पहले 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के नू में जो हिंसा भड़की दो समुदाय के बीच में, जिन हिंदू संगठन के लोगों की वीडियो वायरल हुई, जैसे कि मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, इन लोगों के ऊपर क्या नफरती चिंटू ट्रेंड चलाएंगे, अरेस्ट मोनू मानेसर, अरेस्ट बिट्टू बजरंगी, या जो गोदी मीडिया के पत्रकार ने उन्हें प्राइम टाइम चलाया अपने न्यूज चैनल पर, क्या प्राइम टाइम में बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर के ऊपर हरियाणा सरकार से सवाल पूछेंगे, या फिर मणिपुर जो जल रहा है पिछले 100 दिन से, क्या गोदी मीडिया के पत्रकार
देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे कि कहेंगे कि किस वजह से जल रहा है मणिपुर, क्या सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से आपकी डबल इंजन सरकार वहां फेल हो गई, किस तरीके से वो दो लड़कियों को बिना कपड़ों के भीड़ ने घुमाया, क्या बीजेपी की सरकार से सवाल पूछेंगे नफरती चिंटू, क्या गोदी मीडिया के पत्रकार जो प्राइम टाइम चलाते हैं, जो एक एजेंडा चलाते हैं, क्या वो अपने प्राइम टाइम पर मणिपुर के बारे में सरकार से सवाल पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, उनकी पैंटें गीली हो जाएंगी, अगला एपिसोड चलाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश आएगा, सीबीआई, ईडी, पुलिस सब रेड इनके ऊपर डल जाएगी। और इनके ये तो वैसे भी डरपोक हैं, ये अभिसार शर्मा हो गए, अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार हो गए, पिन्नी प्रसून वाजपेयी हो गए, साक्षी जोशी हो गए, या और भी बहुत से ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये डरपोक नहीं है, ये रोजाना सवाल पूछ रहे हैं, देश के अहम मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं, देश की जनता के अहम मुद्दे उठा रहे हैं और सीधा नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, यानी जो देश में सरकार है उससे सवाल पूछ रहे हैं। इन सभी स्वतंत्र पत्रकारों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, घबराइएगा मत, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ पूरी देश की जनता खड़ी है, क्योंकि आप देश के अहम मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि आप देश के लोगों की आवाज़ बनते हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको सरकार हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि आपके पीछे जनता की ताकत है। दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।